आप लोग जो सवाल भेजते हैं तो वो सवाल इनसे किए जाते हैं रैपिड फायर में. सो मैंने इस वक्त जितने सवाल जमा किए हैं मिकाल, पहले यमुना के लिए ना. अच्छा पहले यमुना पहले मेरे पास सबसे पहले मिकाल का. हाँ हम इसलिए कर लेते हैं, जरा यमुना को आसानी हो जाएगी. लोगों ने जो पूछा मैंने पहला सवाल ये कि पूरा नाम क्या है, मियां मिकाल पितरस अजीज जुल्फिकार. जी हाँ बिल्कुल. और जब मैं छोटा होता था आई यूज्ड टू ऐड मोहम्मद टू इट एज वेल. ओके. और मैं क्लास वन का एक मजे का वाक्य सुनाता हूँ कि स्कूल में जाते ना तो टीचर्स लाइक ओके बेटा स्टैंड अप एंड टेल मी योर नेम. मैं खड़ा हुआ, मियां मोहम्मद मिकाल पितरस अजीज जुल्फिकार. उनका ओके बैठ जाओ बैठ जाओ. और कुछ नहीं पूछते. ओके जबरदस्त. पहला बेटा था तो आई गेस माय पेरेंट्स जस्ट वेंट ऑल आउट. लवली. फिटनेस फ्रीक कहते हैं लोग. नहीं इतना भी नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ, कोशिश करता हूँ. क्या यू वर्कआउट? आई डू, या आई वर्कआउट, आई प्ले स्पोर्ट्स टू कीप फिट. फेवरेट स्पोर्ट कौन सी है यार? अ कपल, गोल्फ, टेनिस. ठीक है लवली. फिटनेस टिप्स दे दो यार अपने फैंस को, ये उन्होंने पूछा होगा. गॉट टू ईट हेल्दी. डाइट सबसे पहले, यू नो, डाइट अच्छी रखेंगे, हेल्दी चीज़ें खाएं, कार्ब्स बहुत ज़्यादा नहीं खाने, रोटियां, चावल, इस तरह की चीज़ें. ऑल्दो हमारी डाइट उसी पे बेस्ड है. शूट पे तो बहुत खाता है यार. शूट पे नहीं किया जाता. टीवी बैठ के बोल रहे शूट पे पुल लगा होता है. शूट पे नहीं किया जाता. बट नहीं, नाउ आई एम अ लॉट मोर कॉन्शियस देन आई यूज्ड टू बी. सो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है और डाइट अच्छी रखें और रूटीन अच्छी रखें. ओके, नेम द हॉलीवुड एक्ट्रेस विद द मोस्ट ब्यूटीफुल आईज. हॉलीवुड एक्ट्रेस विद द मोस्ट ब्यूटीफुल आईज, मेगन फॉक्स. ओके लवली. क्या ये सच है कि अभी तक कार्टून्स देखते हो? बच्चों के साथ हाँ देखने पड़ते हैं. कौन नहीं देखेगा, बच्चे हर वक्त लगा के कार्टून्स रखेंगे तो देखना पड़ेगा. तो देख लेता हूँ मैं. ओके, सांप से बहुत डर लगता है? नहीं. वेल आई मीन छोटी मोटी चीजों से. ब्रेव बन रहे जरा फैंस, लड़के डिसअपॉइंट. ब्रेव मैन. अभी कॉकरोच से पता चले. नहीं नहीं, नो छोटी मोटी, आई मीन ऑब्वियसली स्नेक्स एंड क्रीपरी कॉलीज, बट ओके. अगर कुछ वाकई कोई डेंजरस चीज है तो हां ऑब्वियसली, नॉट अदरवाइज. अच्छा मायरा खान या महविश हयात? दोनों, दे बोथ अमेजिंग यार. चूज एक करनी इसलिए. Mavish. Why? Because Myra मेरे साथ काम नहीं करेगी. क्यों? पता नहीं, मुझे लगा. किया तो है. किया वे. शेरजाद. किया वे. हाँ. हाँ. तो? वैसे ही मुझे लग रहा है. अल्लाह ऐसा लग रहा है. ये जान के बोल रहे ताकि मायरा को हम, मैं मायरा को पहुंचाऊंगा ये. हाँ. ये पहुंचा देना. ये पहुंचा. इसलिए से बोला है. पूछा उससे कि वो मेरे साथ काम करेगी या नहीं. नहीं तो क्यों ऐसा लगा निकाल? सब बता दो. नहीं क्यों लगा बता. नहीं वैसे ही मैं कह रहा हूँ. अच्छा वैसे ही थोड़ा. तो अगर महविश भी ना करे फिर क्या करेगा? चल तीसरी चूज कर लेना तू. यमुना. You guys are so funny. I'm telling you. Okay. कमाल है शो भाई, जबरदस्त. बहुत आला. ओके. पाकिस्तानी इंडस्ट्री का सबसे दमदार एक्टर. दमदार यानी सबसे अच्छा एक्टर यार. अपनी एज ग्रुप में से या वैसे जनरली? हाँ जनरली भी अपनी एज ग्रुप में से. जो वेल नुमान का, नुमान भाई का, आई मीन ही इज अ लेजेंड, नो डाउट. ऑफ कोर्स, नो डाउट. अपनी एज ग्रुप में अगर बात करूं, आई लाइक फवाद. आई थिंक फवाद इज अ गुड एक्टर. फहद मुस्तफा इज अ वेरी वेरी गुड, यस वेरी गुड एक्टर. एंड एहसन खान. ये बकवास. अच्छा अब ये बात तो, ओवररेटेड एक्टर कोई लगता है कि ओवररेटेड? मेबी इट कुड बी नॉट इन पाकिस्तान, पुराने एक्टर्स में से या नए एक्टर्स में से या कहीं और भी, किसी और इंडस्ट्री में भी. Overrated, वही होता है. I mean, लोगों को एक्टिंग एबिलिटी पे जज किया जाए rather than stardom. I think वो लोग overrated होते हैं थोड़े से, जो जिनका बॉडी वर्क इतना स्ट्रांग नहीं होता. But the famous on Instagram या और actually उनकी performances जो हैं, लेकिन उनकी following बहुत आती थी. Yeah, people like them. Any example you have, buddy? No, I won't take names, but because I know I'll get trolled for it, so I don't want to do that. But I think you know what I'm talking about. वैसे आई डोंट नो ऑनेस्टली, बिकॉज़ देयर आर सो मेनी दैट आई डोंट नो. वेल देयर यू गो. ओके, किस फीमेल एक्ट्रेस का इंस्टाग्राम स्टॉक करता है? किसका स्टॉक करता है? हां ज्यादा सच सच बताइए. हां सच, ये बात सच होनी चाहिए. फीमेल बहुत सारी उनका करता हूं. आई लाइक मतलब आई फॉलो मोस्ट ऑफ माय को स्टार्स. लाइक स्टॉक एक किसी का कोई खास नहीं. आई मीन नॉट वन पर्टिकुलर वन. आई थिंक आई मीन आई फॉलो अ लॉट ऑफ देम. मायरा हो गई, महविश हो गई, सबा हो गई, और यू नो इवन द सारा. सारा हु? सारा खान.
Nahin, not that much. Aap I think I follow her, but... I like her, I think she's very pretty. Yeah, I just said it, by the way. Armina? क्या लिख रहे हैं किसके बारे में लिख रहे हैं वो ज्यादा स्टॉक करता हूँ लेकिन प्रिटेंड करता हूँ No, I don't. PR agency hire किसी से लोगों ने किया क्या कि मुझे spread करो मेरी तस्वीरें spread करो हाँ एक वक्त पे किया था फिर मैंने कहा फिर मैं उन्हीं को तस्वीरें नहीं देता था तो फिर मैंने कहा क्यों ना की नहीं but was it working did that work I think it works yeah yeah absolutely it works I think जितने लोग out there हैं जो बहुत ज़्यादा out there हैं वो PR company की वजह से उनमें अपना काम हाथ है उनका अच्छा but मेरे पास अभी कुछ एक दो एक्टर्स थे जिन्होंने बोला जैसे पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े एक्टर्स यू नेम नोमान एजाज and then they named Sania Saeed, they named Savera Nadeem. कि ये तो social media पे है ही नहीं, but they're great actors. So do you think कि the skill is more important या Instagram? Yeah, absolutely. I think the number of followers you have on Instagram is it matters. No, it doesn't. It doesn't. पैसे कमाने में फायदा तो देता ना यार. I don't think so. No, I don't think so. मैं भी बताता हूँ कैसे फायदा देता है. हाँ, देता है वैसे आजकल. नहीं, I mean through the platform आपको फायदा देता होगा, लेकिन I don't think आपके you're known if you're an actor to aapko apni ability pe milta hai I think bilkul sahi ha bilkul sahi but a lot of people get work because they have certain no that's something else but that's something else but I don't think it's a benchmark on anything skill hona zyada zaruri hai skill zyada theek hai ji aage badhte hain ye bata do ke wo kaun se actors hai jo muh na khole to bahut pyari lagti hai ye zyadti ho jayegi yaar to naam nahi lena nahi kisi foreigner ka naam le de yaar वो जो मेरी एड में जो लड़की थी तेरी मेहरबानी वो असल में बेचारी ऐसी थी नहीं वो असल में तो जर्मन थी उसको पता भी नहीं था कि क्या बोल रही है ओके सही है ये सच है ना कि आसिम रजा ने सबसे पहले टीबीसी में किसी में देखा था और फिर एक वीडियो में नहीं उसी का टीबीसी मैंने किया था और फिर मुझे अबरार की वीडियो मिली कौन सा वीडियो कौन सा गाना था सानू तेरे नाल प्यार हो गया अबरार वाला हाँ ईमान ईमान के साथ वाला हाँ सानू तेरे नाल प्यार हो गया ओह यस यस अ वेरी नाइस वीडियो उसमें डांस कर रहा है बहुत ज्यादा डांस अबरार हक का जो था हाँ जी उससे पहले कुछ चिप्स का एड शायद किया था उससे पहले एक चाय का कमर्शियल किया था जिस जो आसिम के साथ ही उसी से उसने डिस्कवर किया टीवी कमर्शियल में ज्यादा पैसे कमाए जाते हैं फिल्म में ज्यादा कमाए जाते हैं या टेलीविजन सीरियल में लॉन्गर रन में आई थिंक टेलीविजन आपको ज्यादा पैसा देता है बिकॉज इट्स मोर स्टेबल एंड मोर वर्क आउट देयर लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक इफ यू लुक एट इट ऑन टाइम स्केल तो कमर्शियल काम जो है आपको ज्यादा पैसा देता है क्या ये सच है कि ए दिल मुश्किल फवाद से पहले तुम्हें ऑफर हुई थी मैंने जरूर आई थिंक जब अप्रोच किया जा रहा था वी वर बोथ in talks with auditioned them. Or auditioned were and were okay. in talks with the company for it yeah okay lovely but I'll be honest I did do the audition and we were in talks but I wasn't very keen on it because I felt bahut choti appearance and I always feel jahan tak india ki baat hai pakistani actors ko hamesha sideline type hi thoda sa kiya jata hai although hum hi kuch usme se bana lete hain lekin you know, I my personal experience bhi hai ki India Pakistani actors ke saath fair nahi hota. Okay, very nice. Okay, rate them as an actresses. Although they all are wonderful, but I want to know what you feel. Maya Ali, Mayra Khan, Armina Rana Khan, Harim Farooq, and Sabah Kamal. Worst to last or last to first or? It's your choice. Agreed. Of course, they're all good. I think undoubtedly and they'd obviously all agree Sabah I think is okay, a phenomenal Sabah. performer I actually think Mayra is a good actor Mayra. I like Mayra mm-hmm. Mayra's work Armina okay no Harim first okay Harim yeah. then Armina and who is the other one Maya is also not bad. It's a tough competition, you know. Very tough. They all are good. They're all good. I mean, it would be really tough and unfair ki kisi ko aap हाँ ये बस ऐसे एक होता है कभी कभार आपके कोई पर्सनल फेवरेट भी होते हैं लाइक हाँ ये होते हैं बट आई थिंक यू नो आई मीन आउट ऑफ द पर्सनल फेवरेट्स आई एक्चुअली डू लाइक सम ऑफ मायरस परफॉर्मेंसेस एंड सबा आई थिंक फिनोमिनल वो कौन सा एक्टर जिसकी आवाज भारी नहीं है बट वो भारी बनाता है कौन सा एक्टर जिसकी आवाज भारी है अफान अफान की भारी आवाज अब पता नहीं यमुना जानती है अफान की तो भारी है आवाज भारी है वैसे भी होती नहीं थी होती नहीं होती नहीं थी
अच्छा होती रही थी अच्छा याब होगी या I don't know it's just a name that popped in my head but I like Afan I'm very fond of him हाँ हाँ ओह बल्कि यहाँ जाहिद अहमद जाहिद की है बारी नहीं मुझे लगता है जाहिद बनाता है थोड़ी सी अच्छा हाँ I mean he's great he's very good he's a good actor और उसने अपने आप को इमरान अशरफ नहीं इमरान भारी बनाता तो नहीं है नहीं कभी 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 बना भी लेता है वैसे अच्छा नहीं आई डोंट थिंक आई हैव नोटिस्ड इट कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर्मली हम जब बात करते हैं थोड़ा सा ऐसे हो जाता है नहीं लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक व्हेन आई एक्ट मैं थोड़ी सी भारी करने की कोशिश करता हूं आवाज बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्टर की एक्टिंग में एब्सोल्युटली ओके वंडरफुल यार जबरदस्त जवाब दिए हैं मिकाल ने वेरी नाइस लवली ओके यमुना इट्स योर टर्न नाउ या इमरान अशरफ या मोहसिन अब्बास दोनों इक्वली बहुत अच्छे हैं मोहसिन भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टर है लेकिन अभी रिसेंटली मैंने इमरान के साथ काम किया ही इज वंडरफुल सो या इमरान अशरफ नुमान एजाज या फैसल कुरैशी नुमान एजाज ओके रेट दीज एक्टर्स एजाज असलम अदनान सदीकी फैसल कुरैशी फहद मुस्तफा फैसल कुरैशी फहद मुस्तफा और इससे पहले क्या नाम लिया था आखिरी वाले से पहले अदनान अदनान नहीं फैसल कुरैशी अदनान सिद्दीकी और इजाज एंड फहद फहद मुस्तफा एंड इजाज असलम ओके नाउ चूज हु डू यू थिंक के तुम्हारे साथ सबसे अच्छा उसका पेयर बनता है अफान जाहिद या अहमद अहमद जाहिद सबसे अच्छा अहमद से बनता है अहमद हूँ अहमद अली अकबर ओके लवली वंडरफुल यार अच्छा अहमद से कौन से प्ले किया इन तीनों के साथ बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री होती है लेकिन वो होता है ना कुछ स्क्रिप्ट अच्छा कोई ज्यादा अच्छा स्क्रिप्ट आप किसी एक एक्टर के साथ कर लेते हो तो अहमद के साथ मैंने दोनों सीरियल्स जो किए वो दोनों बहुत पसंद भी किए गए अहमद जाहिद और अफान आई एम द मोस्ट अंडरएस्टिमेटेड एक्टर Me? Really? क्यों? Underrated कह सकते हैं, underestimated नहीं कह सकते। नहीं क्यों underrated? मतलब तुम्हें तो हमेशा अच्छे role offer होते हैं यार। And you work with good directors also? Yes. लेकिन वैसे जैसे, I mean, मुझे ऐसा लगता है, like as compared to my अपने आप से भी खुश नहीं होता ना इंसान है ना? Yeah, yeah, yeah. I think. क्या चाहिए जिंदगी से क्या चाहिए पुराने जमाने में किसी पूछा आपका कौन सा कैरेक्टर आपका ख्वाब ऐसी बात नहीं है मुझे ऐसा लगता है मुझे बहरा गूंगा उसका कोई डायलॉग ना हो बैठो पाएज भी हो हिले भी नहीं और ये भी सब कुछ ऑल इन वन बेस्ट अच्छा और हर सीन में हो भले और मुंह टेढ़ा हो थोड़ा सा कैसे अच्छा नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मुझे 7 साल हो गए 8 साल हो गए काम करते हुए और मैंने बड़ी जान मारी है एक्टिंग में और एक्टिंग की वजह से ही मुझे आगे काम भी मिला है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ हंसते हैं तो बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है विच आई एम रियली हैप्पी अबाउट विच आई एम रियली हैप्पी अबाउट तो इस हिसाब से मैंने आपको बोला था अच्छा आगे बढ़ते हैं अच्छा अगर किसी बॉलीवुड एक्टर के साथ पाकिस्तानी ड्रामे में काम करने का मौका मिले तो वो कौन होगा आयुष्मान अच्छा ही इज वेरी गुड एक्टर फिल्में उसकी सारी कॉपी होती हैं यू नो लेकिन मैं अंधाधुन वाज आल्सो अंधाधुन वाज कॉपी बट उससे पहले वाली लेकिन मैं बॉलीवुड एक्टर्स के साथ काम करने के बाद ये कंफर्म कह सकता हूं कि वो पाकिस्तानी ड्रामे में नहीं काम कर सकते वजह क्योंकि वो इतने लंबे डायलॉग ही नहीं याद कर सकते जिस तरह हम कर सकते हैं पूरा पूरा मोनोलॉग बोल जाते हैं और उन हालात में भी और फिर जब मोनोलॉग का आखिरी जुमला बोला जा रहा होता है करेंगे नहीं पीछे से रक्षा गुजर जाता है मैं अक्षय के साथ कर रहा था ये सही है दोबारा करेंगे मैं अक्षय के साथ कर रहा था अच्छा उसकी लाइन अगर है ना ठीक है मैं देख लूंगा ठीक है ये लाइन है ठीक है मैं देखूँ अब ठीक है उसने तुझे बोलना है और मैं देख लूँ इसको बोलना है तो अब जब उसका क्लोज हो रहा है तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ अब हमारी जगह पे ना प्लैकार्ड्स हैं यहाँ लिखा हुआ ठीक है और यहाँ लिखा है मैं देख लूंगा अब हर सीन चाहे वो यस होता या नो होता तो मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करता रहा फिर मैंने इनमें हमारा ऑब्वियसली हंसी मजाक का एक रीजन मैंने कहा यार तू पाकिस्तानी ड्रामा में तो नहीं काम कर सकता इतनी लंबी लाइनें कौन कहाँ लिखेगा कहाँ पर
और कौन पढ़ता ही रहेगा फिर एग्जैक्टली बट यही करते हैं पीपल डोंट रियलाइज हम सुबह बट ये रैपिड फायर उसका था अच्छा मैं सॉरी यार ओके कोई स्पेशल टैलेंट जो लोगों को नहीं पता मैं मुझे गाना बहुत शौक है लेकिन नहीं लेकिन मेरी आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तो मैं जो हूँ जज करेंगे कि आवाज अच्छी है या नहीं है एक लाइन नॉट फेयर एक लाइन नहीं ये नहीं भी आपके साथ गाना कौन सा आप लोग गाना बताओ कौन सा भाई आप लोग बताए ना भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा लगे अब्र सा मुझे तन तेरा हो 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 नाइस यार नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस गुड अच्छा पतंग बहुत अच्छी उड़ाती हो या बनाती भी थी एक जमाने में हां या या आई वाज अ टॉमबॉय या आई वाज अ टॉमबॉय एक टाइम पे या अब तो होती नहीं है शायद बंद ही होगी पतंगबाजी अच्छा मैं समझ आप कह रहे हैं हाँ पर पाकिस्तान में पतंगबाजी तो बंद हो गई है और कहो मतलब नहीं मैंने कहा कि आई वॉज अ टॉम बॉय एक टाइम पे तो आपने कहा अब तो होती नहीं है मैंने कहा ये क्या हो गया ये क्या सवाल अब तो टॉम बॉयज नहीं होती पतंगबाजी क्या बोला था नहीं होती अच्छा एक्सपेंसिव परफ्यूम्स का शौक है बिल्कुल फेवरेट परफ्यूम YSL का मूनलाइट अच्छा अपने साथ बैठे एक सेलिब्रिटी को कोई कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हो Yes, Mikaal is very kind, is very, very nice soul. मुलाकात में यार, very nice, good क्या soul. बात है यार. Thank you. Yeah. बिल्कुल ऐसा Best नहीं जैसा ये नज़र आता है. बिल्कुल एक compliment अपने host को भी दे दो यार. Ahsan is very positive. He's very positive. देखता यार इतनी पॉजिटिव एंड काइंड यार इनकी तो खैर मैंने तारीफें जब मैंने इनके साथ काम किया था तो इनकी तारीफें मैंने लोगों से इतनी ज्यादा सुनी कि यार बड़े बहुत कम होता है कोई पीछे से आपकी तारीफ थैंक यू बहुत शुक्रिया अगर एक दिन सुबह आप उठे और मीरा बनी तो क्या करोगी फिल्म कर लूंगी बाजी फिल्म उन्होंने बड़ी अच्छी की है ठीक है पहला काम क्या करोगी ये बताओ पहला काम अंगड़ाई लूंगी कैसे मतलब क्या नहीं वो बस वो मीरा स्टाइल ही होगा और वो डेफिनेटली शी इज अ डीवा एंड शी इज अ सुपरस्टार क्या ये सच है कि ये चाहती थी कि शादी जल्दी जल्दी हो जाए हाँ हैं या क्यों इस काम में आने से पहले फिर मुझे पता लगा अरे भाई जिंदगी भी है भाई अपने आप को नहीं तो वो जिंदगी नहीं है शादी के बाद भी तो जिंदगी हाँ डेफिनेटली बट ये कि ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो वाली जिंदगी तो शुरू होगी होगी Definitely, but ये वाला पार्ट फिर मिस हो जाता अगर शादी पहले हो